महाराष्ट्र में आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को नोटिस जारी कर विधायकों के समर्थन पत्र सौंपने का आदेश देकर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी है। इसी के साथ ही सूबे में खरीद फरोख्त को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इसलिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने अपने अपने विधायकों को बीजेपी की नजर से बचाना शुरू कर दिया है, ताकि सत्ता की होड़ में बीजेपी कमजोर हो और विपक्ष का ही पूरा जोर हो। सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी क्या कुछ कर जाती है, इस सच से हर कोई वाकिफ है। अब महाराष्ट्र में उसके सामने सरकार बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे बिना विपक्षी नेताओं के पार नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बीजेपी से समर्थन की कॉपी मांगी, वैसे ही महाराष्ट्र में विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरों ने जोर पकड़ लिया और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने भी अपने विधायकों को बचाने के लिए होटलों में उन्हें सुरक्षित करना शुरू कर दिया। किसी ने दिल्ली में छुपाया तो कोई जयपुर छोड़ाया, ताकि कहीं से भी कैसे भी बीजेपी की नज़र उन्हें ना लग जाए। लेकिन इस विधायक बचाओ अभियान के बावजूद बीजेपी तो 170 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बरकरार रहेंगे, लेकिन वहीं कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना बीजेपी के इस दावे को खोखला साबित करने में जुटे हैं। शरद पवार से लेकर अशोक चव्हाण और संजय राउत का दावा है कि अब की बार भी नहीं बच पाएगी बीजेपी की सरकार और विपक्षी दल साथ में बनाएंगे सरकार। अब दावे बहुत हैं, बयान बहुत हैं, जिससे सियासत में उफान बहुत है। इसी उफान को बढ़ाया है एनसीपी के बागी अजीत पवार ने। उन्होंने कहा कि मैं एनसीपी में था और रहूंगा, शरद पवार ही हमारे नेता हैं, बीजेपी और एनसीपी को साथ होना चाहिए, हम दोनों मिलकर सूबे में मजबूत सरकार दे सकते हैं। इस बयान से साफ हो गया है कि वो तो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने वाले, बल्कि चाचा को अपने पाले में बुलाने को तैयार है। एक तरफ भतीजा कहता है चाचा तुम आओ, तो वहीं दूसरी तरफ चाचा शरद पवार कहते हैं कि भतीजे हमारे साथ ही सरकार बनाओ। आओ जाओ के इस खेल में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी सत्ता बचा पाती है या फिर विपक्ष की सरकार आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।